एकीकृत जांच चौकी आईसीपी बिरगंज में संचालन में आयोजित विभिन्न कारण से ये विगत में बेर बेर संचालन होगा शुरू कर लेकिन एहि बेर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त उद्घाटन के बाद ये संचालन में आयोजित भारत के पूर्ण अनुदान सहयोग में बनल आईसीपी के निर्माण 2011 साल में शुरू हुआ लेकिन जमीन नेपाल सरकार उपलब्ध करौने छल बीरगंज के समीप ग्रामीण भेद में बनल 115 बीघा में फैलल आईसीपी में सब सेवा सुविधा एके ठाम में उपलब्ध रहल अछि आईसीपी के व्यापार के लेल वन डोर सॉल्यूशन सेहो कहल जाइत अछि आईसीपी निर्माण के बाद एहि क्षेत्र लगायत देश के व्यापार में केहन सुधार आवे के अपेक्षा कयल जा रहल छै व्यापारी सब के की फायदा हेतै एकरा पूर्ण रूप से कहिया से संचालन में हेतै एहि बेर के जनमंच या विषय पर जनमंच में अमित ठाकुर के नमस्कार बीरगंज देश के सबसे पैघ आ बेसी आयात निर्यात होवे वाला भंसार के नाका रहल अछि विभिन्न कालखंड के पार करैत बीरगंज विगत के समय में बहुत अस्त व्यस्त होइत आयल छल या अस्त व्यस्तता अनियमितता आ विभिन्न किस्म के व्यापारी लगायत निकाय पक्ष सब के झंझट के दूर करय के लेल आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के कॉन्सेप्ट के तहत आईसीपी निर्माण कयल गेलै जे भारत आ नेपाल दुनू में अवस्थित छै आईसीपी केना काज करै छै त आईसीपी से व्यापारी सब के कोन हिसाब से सहजीकरण भेटतै देश के व्यापार आ ट्रेड सेक्टर में की योगदान एकर हेतै आइ हम सब इएह विषय में बहस कर जा रहल छी बहस में हमरा सब के साथ में छथि बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी तहिना अर्थशास्त्री इंदु शेखर मिश्र तहिना आईसीपी के उपप्रमुख उज्जवल झा जी बहस के शुरुआत हम उज्जवल जी से करय चाहब उज्जवल जी आईसीपी के कॉन्सेप्ट आईसीपी आखिर में की छै काज केना करै छै आईसीपी आईसीपी अपने में जेना इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहलिए एकरा ई एक द्वार प्रणाली छै अखन तक जेना कोनो भी भंसार के यहाँ देखबै तऽ ओहिठाम एकटा छोट भंसार के ऑफिस छै इंडिया में एकटा छोट भंसार के ऑफिस छै नेपाल में कोनो गाड़ी अयलै अहाँके बॉर्डर पार भेलै बॉर्डर पार भेला के बाद गाड़ी ओहिठाम रुकलै लेकिन गाड़ी में खाली कस्टमे के इंस्पेक्शन नहीं भऽ के कस्टम संगे समन्वय करय वाला अहाँके विभिन्न निकाय छै जेना कि क्वारंटाइन भऽ गेल बैंक भऽ गेल ताहिके बाद अगर कोनो तेसर कंट्री के पैसेंजर अयलै तऽ इमिग्रेशन भऽ गेल भंसार एजेंट भऽ गेल तऽ भंसार एजेंट तऽ अखन ओहिठाम रहै छै कस्टम संगे लेकिन की छै जे क्वारंटाइन करबऽ के छै अहाँके ओकरा कोनो फैसिलिटी यूज करऽ के छै जेना कि लोडिंग अपलोडिंग ई सब अहाँके सेल्फ मैनेजिंग करऽ के छै लेकिन आईसीपी के कॉन्सेप्ट कथी लए एलै जेना कोनो गाड़ी एलै गाड़ी हमर इन भऽ गेलै नेपालमे इन भेला के बाद आब ओहि गाड़ी के की करऽ के छै तऽ फर्स्टली की छै जे ओकरा कस्टम इंस्पेक्ट करतै इंस्पेक्ट केलकै तऽ जेना ओ ग्रीन चैनल में छै तऽ ओकरा चेक नहि करऽ के छै ताहिके बाद अपनेके अबै छै रेड चैनल येलो चैनल रेड चैनल में अहाँके कोनो सामान के जेना क्वारंटाइन कराबऽ के छै क्वारंटाइन अहाँके लैब टेस्ट होइ छै तऽ प्लांट क्वारंटाइन भेलै एनिमल क्वारंटाइन भेल ताहिके बाद फूड क्वारंटाइन भेलै एहिके बावजूद भंसारके एकटा अपन क्वारंटाइन छै कस्टम क्वारंटाइन ई सब कराबऽ के लेल की छै जे पहिलका हिसाबमे देखबै तऽ लोकके गाड़ी थनकिया कऽ सैम्पल लऽ कऽ अथवा सामान लऽ कऽ दूर दूर क्वारंटाइनमे जाउ फेर ओहिठामसँ अहाँ कराउ विभिन्न पत्रचार कऽ कऽ अहाँके समय लगै छलै एक अहाँके आईसीपीमे की छै जे क्वारंटाइन आईसीपी भीतरे छै अगर कोनो गाड़ीके क्वारंटाइन कराबऽके छै तऽ ओहिठाम भंसार अहाँके लिखित देतै बगलमे क्वारंटाइन छै अहाँके क्वारंटाइन जेतै गाड़ीके क्वारंटाइन भऽ कऽ आबि गेलै ताहिके बाद भऽ गेलै बैंकके काम बैंक अहाँके ऑलरेडी एहिठाम छै आईसीपी भीतर जाकऽ ओ अपन ड्यूटी तिरतै लेकिन एहि सबके करऽके लेल कस्टमके सहज कराबऽके लेल कस्टम एजेंट होइ छै कस्टम एजेंटके बैसऽके लेल एहिठाम ठाउँ छै प्लस अहाँके जेना अखन तत्कालीन नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समिति जे छै से एहिठाम कथी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी टाइप से कहियौ ने अखन देख रहल छै जेना कि टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी कहबै अखन ला तऽ जेना ट्रक सबके पूरा व्यवस्थित कऽ कऽ रखनाइ पार्किंगमे ताहिके बाद कोनो सामान अयलै ओकरा लोड अनलोड कराबऽके छै तऽ एहिठाम अनियंत्रित आदमी नहि आबि सकै छै जे मतलब लेबर ऑर्गेनाइजेशन छै ओकरा अहाँके सर्टिफाइड कयने छै अथवा टेंडरसँ हमसब लेने छियै ओ सब आबि कऽ मात्र एहिठाम काम करतै तऽ हमसब अखन ओहि सब चीजके निकाय करै छियै हमर सबके अधिकार क्षेत्र कतऽ तक छै जे कोनो भी कार्गो के
इन कक सही तरीका से जल्दी से जल्दी आउट करा देबू। तै के बाद एठम मुख्य भूमिका छ कस्टम के, तो कस्टम अपन जे हुनकर सब के प्रक्रिया छ क्वारंटाइन कराबे के, ड्यूटी वसूल करे के, इंस्पेक्ट करे के, रिटेंशन करे के, तैके बाद अहाँके लिटिगेशन करके, और सब कस्टम अपन करथिन। वन डोर सोल्यूशन मानल जा सकैए? वन डोरे सोल्यूशन छै, जखने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट छै ई सिंगल विंडो छै अहाँके, बुझलियै, एक द्वार प्रणाली। शर्मा जी, अपने उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष छियै, व्यापार अपनहु करै छियै, व्यापारी सबके आई सी पी सँ की फायदा भऽ रहल छै? आई सी पी बाट नेपाललाई यहाँको उद्योग व्यापारलाई यसबाट फाइदा हुने धेरै ठाउँ छ। जस्तो के थियो भने हिजो अस्तिसम्म रक्सोल एउटा सानो नाकाको रूपमा मात्र थियो, यो एउटा अझ पोर्ट बनिसक्यो। यसबाट के छ भने तपाईँको यही भित्र तपाईँको सबै किसिमका आधुनिक सुविधाहरू सम्पन्नबाट चेक जाँच गर्न सक्ने, जुन कि अघि अघि उहाँ झाजीले पनि भन्नुभयो, क्वारेन्टाइनदेखि लिएर ब्याङ्किङ समस्यादेखि लिएर सबै व्यवस्थापन भयो। र अर्को सबैभन्दा के थियो भने जुन भाडा हाम्रो वृद्धि हुन्थ्यो नि, त्यो चार दिन पाँच दिन लाग्ने जुन बाटोमा थियो, एउटा एउटा ट्रकले 10-10 हजार रुपियाँ हाम्रो बढी खर्चहरू लिन्थ्यो। त्यो सबै यो व्यवस्थित रूपमा भइसकेपछि औद्योगिक कोरिडोरमा यो भएपछि धेरै फाइदा हुन्छ, यो मैले अनुभूति गरेको छु। मिश्रजी, इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट भेलै दुनू देशके माथहातमे रहै छै, दू देशके व्यापारके कोन हिसाबसँ आब ई संवर्धन करतै, सहजीकरण हेतै, अर्थतन्त्रमे एकर की प्रभाव पड़ जा रहल छै? दू देशके व्यापारके सहजीकरण करऽके लेल उद्देश्यके लेल नहि एकरा बनायल गेल छै, किएकि इन्टिग्रेटेड चेक पॉइंट नहि भेलाके चलते दुनू तरफके व्यापारीके कोनो काज करऽके छै तऽ एकटा एक कामके लेल पाँच ठाम जाय लऽ पड़ै छलैए, ओहि ऑफिसमे जाउ, ओहि ऑफिसमे जाउ, ओहि ऑफिसमे जाउ, तऽ समयके बर्बादी भेल, साधनके बर्बादी भेल, आओर ऊपरसँ लागत बढ़लसँ अलग एकर असर कारोबारपर पड़ै छै। चीज महँगा भेल तऽ अहाँके काज करऽमे नाफा कम भेल, तऽ अहाँ कम मँगायब तऽ रोजगारो कम हैत। अब एकेठाम सब काज भेलासँ एक्सपोर्टरके भी आओर इम्पोर्टरके भी दुनूके अपन काम करऽमे सुविधा भेलै। अब एक रूपमे ओ सब काज करता, जेनाकि हमर शर्मा जी आ झाजी कहला कि अब एकठाम अयलाके बाद हिनका सबके सारा काम एक एक रूपसँ भेला भेलै, तऽ एहिसँ देशके व्यापार बढ़तै, क्षेत्रके व्यापार बढ़तै आओर एकीकृत रूपमे एहिठाम रोजगारके अवसर हेतै, तऽ स्वाभाविक रूपसँ व्यापार प्रवर्धन, रोजगार निर्माण, एकर क्षेत्र विकासमे एकर व्यापक असर पड़तै। आब सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जँ कोनो सहभागीके प्रश्न होइ तऽ हाथ उठाकऽ प्रश्न कऽ सकै छथि। म प्रकाश थारू, बिरगञ्ज 13। मेरो जिज्ञासा सानो के छ भनेदेखि, यहाँ पर्सा जिल्लाको सिरिसियामा अलौमा जुन यो आइसिपीको स्थापना गरियो, त यहाँका जुन उब्जाउ मुलुक जुन जग्गा थियो, उब्जनी गर्ने खालको खेतीपाती गर्ने जुन जग्गा थियो, त्यो जग्गाहरू नेपाल सरकारले अतिक्रमण गर्यो र यहाँ आइसिपी बनायो। तर वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि, खेतीपाती योग्य जग्गालाई अतिक्रमण गरेर यहाँ आइसिपी स्थापना गर्यो र यहाँ जुन आइसिपीले यहाँका जुन सर्वसाधारण जुन खेतीपातीबाट जुन निर्भर आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्, अहिले पनि यस्ता किसानहरू छन् कि खेतीपातीमा नै निर्भर छ, र यस्ता किसानहरूको लागि नेपाल सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै किसिमको वैकल्पिक रोजगारको रोजगारमूलक अथवा कुनै किसिमको सिपमूलक तालिमको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन। त्यस हिसाबले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यस्ता बेरोजगार र जुन हाम्रो खेती किसानी गर्ने किसानहरूको लागि यहाँहरूसँग म जिज्ञासा मात्रै गर्न खोजेको कि यहाँहरूको लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन। प्रश्नको जवाब तिनो प्यानलिस्ट आवक चाहिँ। उज्जवलजी, जमीन लिएले किसान सबके वैकल्पिक व्यवस्था एखनो नहि कऽ देल गेलै, की छै नियम कानून सब की छै लगायत, सरकार एखन एहिपर कोना अग्रसर भऽ रहल छै? केना छै, पहिले एक चीज तऽ बुझऽ पड़तै जे अतिक्रमण नहि भेलै एहिठाम, अधिग्रहण भेलै। ई दूगो शब्द कनि बुझऽ पड़ै छै, अतिक्रमण अधिग्रहणमे बहुत फर्क होइ छै।
हुनकर सबके जमीन जे अधिग्रहण भेल छै तै समय हमरा बुझाइए मुआवजा भेटल छै। ताहिके बाद फेर पुनः मुआवजा भेटल छै हुनकर सबके। फेर छै जे भारतमे किछु अतिरिक्त मुआवजा देलाके कारण हुनका सबके फेर किछु मुआवजा चाही। आब रहलै रोजगारके बात, तऽ रोजगारमे की छै जे हमरा सबके ई चीज नहि बुझल रहै। जहिया हमरा सबके हैंड ओवर भेलै तऽ हमसब तऽ बुझलियै नेपालके छै, तऽ हमर सबके केन्द्रीय कार्यालय एहिठामके सञ्चालनके लेल जे कर्मचारी जे गार्ड चाही ओहि सब जनशक्तिके लेल अहाँके राष्ट्रीय पत्रिकामे आह्वान केलकै नोटिस। लेकिन आब एहिठामके आदमी ओ चीजसँ वञ्चित रहलखिन, मतलब ओ नोटिस नहि पाबि सकलखिन। तऽ एकटा पहिल हुनकर सबके इएह छै जे एहिठामके आदमीके नहि राखि देल गेल, लेकिन ओहो राखऽके प्रावधान तऽ डायरेक्ट नहि होइ छै, ओहि सबके एकटा नेपाल सरकारके अपन हिसाब किताब छै। ताहिके बाद हुनकर सबके सङ्घर्ष समिति मन्त्रीजी स्वयं आयल रहथिन, हुनका सबके कहलखिन, तऽ अब ओ चीज छै, ओ राष्ट्र फेर ओकर केना निर्णय करतै ओहि हिसाबसँ ओ समझमे। बीरगंज 28 मे हमर घर पड़ला। जैसे मुआवजाके मुआवजा जौन अतिक्रमणके जौन बात कहीं दू पार्टमे छुटेनी हम ठीक बा कोनो बात नहीं है, लेकिन आज भी जौन जग्गाके जौन मुआवजा देवेके चाही प्रशासनमे आज भी किसान लोग दौड़ताटे, लेकिन ओकर मुआवजा अभी तक नहीं मिलल। आजके घटना अनुसार भी हमने देखल जाऊँ तो नहीं मिलल, ओकर का कारण हो सकेला? जे छथिन कर्मचारी से ओ कारण नहीं पता कर सके। दोसर चीज मुआवजा राष्ट्र देते, बुझलिए संबंधित निकाय मंत्रालय देते, ओ चीज अहाँ सबके हमरा बुझाइए जे पहुँच गेल छै। आब ओहिपर केहन पहल भऽ रहल छै से सब अहाँ सबके ऊपर डिपेंड करै छै। मुआवजा शर्मा जी के सेहो हम विचार लेबऽ चाहब, एतऽ सँ ओ प्रदेश सभा सदस्य सेहो छथि। शर्मा जी, ई सब बात अपनहिके क्षेत्रके जनता समक्ष आबि रहल छै, की पहल कऽ रहल छी अपने सब जाहिसँ हिनका सबके जे मुआवजा जल्दी सँ जल्दी प्राप्त होइ, पहल की भऽ रहल छै? मुआवजा उहाँहरू सबैलाई मुआवजा दिएको छ, तर के भयो भने भारत सरकारतिर भारतीय साइडमा पछि थप मुआवजा आएपछि उहाँहरूको पनि भयो कि जग्गा त हाम्रो पनि उत्तिकै मोलको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ 5 लाख रुपियाँ कति एक्ज्याक्ट भन्न सकिँदैन आइसीमा भयो, हाम्रो साइड चाहिँ नेपालीमा भयो। उहाँहरूको माग चाहिँ त्यही थियो कि हामी धेरै यहाँका गाउँवासीहरूको भूमिहीन नै भयो, उहाँ यो आइसिपी बन्दाखेरि भूमिहीन भइसकेपछि कमाउने बाटो त उहाँहरूको भएन, उहाँहरूलाई मुआवजा बाहेक पनि उहाँहरूको माग त जायज थियो कि उहाँहरूलाई कुनै तरिकाबाट स्थापित गर्नुपर्ने। राज्यले त्यो बेला कमिटमेन्ट पनि गरेको होला, भनेको होला कि आइसिपी भयो भने काम दिउँला या केही तपाईँलाई व्यवस्थापन गरिदिउँला भनेर भनेको हो। तर हाम्रो देशमा के छ भने 6 महिनापछि नै सरकार बदलिदियो, खेरमा उहाँहरूको मागहरू सम्बोधन हुन नसकेको। अस्ति म पनि यहाँ कार्यक्रममा हुँदाखेरि हाम्रो मातृकाजी आउनुभएको थियो आइसिपी सञ्चालनभन्दा पूर्व, उहाँले भन्नुभएको छ कि तपाईँहरू आन्दोलन नगर्नुहोस्, यो आइसिपी चालु भइसक्यो, यो राष्ट्रकै धरोहर भएको हुनाले अब के हुनसक्छ नेपाल सरकारतिरबाट हामीलाई हेर्छौँ। र रह्यो कुरा तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, म प्रदेश सभामा परेँ, यो मुआवजा दिने लिने यो राष्ट्र सरकारको हक अधिकार पर्छ, दिने कि नदिने, दियो भने कति दिने, यसका दुईवटा आस्पेक्ट पनि छन्। कसैले नदे पनि भन्छ, कसैले दे पनि भन्छ, एकचोटि मुआवजा दिइसकेपछि दोस्रो पटक दिनु हुँदैन भन्ने खालका मान्छेहरू पनि छ। केही मान्छे जो पुरै भूमिहीन भइसकेको छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। उहाँहरूको लागि पिर मार्का बुझेर नेपाल सरकारले केही न केही ध्यान दिन्छ, त्यो म आशावादी छु। मिश्रजी, अहिमे अहाँके विचार सेहो जोड़ चाहब। जखन कतौ भी कोनो भी निर्माण जे होइ छै, किनको ने किनको जमीन जाइ छै, तऽ मुआवजामे एतेक हंगामा कैला होइ छै, लगायत सरकार द्वारा ई पहल कैला नहि होइ छै जे वैकल्पिक रोजगार चाहे ओहिके व्यवस्था कैला कयल जाय। एहिमे की होइ छै, मुआवजा निर्धारण करैके समयमे कोनो सरकारके या जमीन जिनका पछि हुनका दुनू गोटेके तात्कालिक मूल्य और परियोजना पूरा होते ओ समय के मूल्य दुनू के आधार बनाकर मुआवजा निर्धारण करके चाही। एठाम एना नहीं, प्रचलन में नहीं छे। प्रचलन नहीं भेला के चलते शुरू में हमरा ई पाई भेटल, बहुत भेटल, ये सोच कर किसान लोग भी गदगद भ जाए छथि और वो अपन साइन कर दे छथि। बाद में फिर देखे छथिन कि दूसरा के एतेक भेटले तो फिर सामूहिकत रूप से हंगामा भेल, ओकर परिणाम विकास पर पड़े छै, परियोजना पर पड़े छै।
ये सन्दर्भ एहि विषयमे हमर की विचार एकटा सुझाव माने हम प्रदेश सभाके सदस्य जी से कहबनि या अपना केन्द्रीय विभाग सेहो कहि सकै छथि माने एहन संस्था सब निर्माण करऽके लेल उपजाउ भूमिके बदलामे जे अनुपजाउ भूमि छै बहुत एरिया छै जहाँ अनुपजाउ भूमि छै जकरा कोनो भू उपयोग नहि भऽ रहल छै आओर बहुत दूर पर छै ओहन भूमिके प्रयोग करनाइ ज्यादा उपयुक्त हेतै पहिलका समाधानके अब दोसर अब तऽ ई तऽ बनि गेलै बनलो भेलै जनताके माँगेपर बनलै हमही सब मँगने छी बनि गेलाके बादमे एकरो संरक्षण आओर सम्वर्धन होवऽके चाही अगर हम अपना क्षेत्रीय विकास भी चाहै छी तऽ एकरा लेल सरकारके जेना मंत्री जी आबिके बजलथिन या आओर लोग बजलथिन जतेक शीघ्र सम्भव अइ आबिके एकर समस्या समाधान कऽ देबऽके चाही ई पेपरमे अबैत रहै छी हमहूँ सब पढ़ै छियै नहि तऽ की हेतै कि बीरगंजमे चीनी कारखानाके घटना छै आइ तक कतेक कर्मचारी मुआवजाके लेल ओहिठाम बैसल छथि समाधान नहि भेलै अहाँके जनकपुर चुरोट कारखानाके उहे हाल अइ ओना तऽ जनकपुर चुरोट खानाके परिसरके अब तऽ प्रदेश राजधानिए लोग बना देलकै अब जनकपुर सीरेट फैक्ट्री कहिया बनतै नहि बनतै अपना विषयके बात छै तऽ एकरा समयपर ओकरा अथी करऽके चाही दोसर ई किसानके ई माँग अहाँके सही छै कि जब हम उपजाउ भूमि दऽ देलहुँ अपन सर्वस्व दऽ देलहुँ तऽ हमरा भोजनके व्यवस्था की वैकल्पिक रोजगारके व्यवस्था की एकरा लेल ई क्षेत्रके किसानके आवश्यक ट्रेनिंगके व्यवस्था करऽके चाही सरकारके अहाँके एतेक लोग अयतै एतेक लोग जेतै कि एहिठाम तऽ होटल व्यवसाय नीक जगह चलि जेतै तऽ एरियाके सब लोगके रोजगार भेट जेतै जे कम पढ़ल लिखल छथिन ओकरा ढुवानी सेवामे सब काज भेट जेतै तऽ ई अभी बनलाके बाद रोजगारके कमी नहि छै ओकरा व्यवस्थापनके कमी छै अब होटल चलाबैके ट्रेनिंग तऽ देवला पड़तै मजदूरी करैके छै ट्रेनिंग तऽ देवला पड़तै ढुवानी करै ट्रेनिंग देला छै एहि लऽ कऽ सरकारके की चाही तात्कालिक रूपसँ दू सप्ताहके तीन सप्ताहके एहन वैकल्पिक रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाके ओ लोकके सेट करऽके चाही वैकल्पिक रोजगारके बात आबि रहल छै ओहिके साथ साथ आब ICP सञ्चालनमे होवला चैलेंजेस सब सेहो बुझऽ चाहै छी उज्ज्वल जी एखनो तक ICP जे छै फुल फ्लेजमे ऑपरेशनमे नहि आयल छै चैलेंजेस सब सेहो बुझऽ चाहै छी उज्ज्वल जी एखनो तक ICP जे छै फुल फ्लेजमे ऑपरेशनमे नहि आयल छै की कारण छै जे एखनो तक पूर्ण अपन क्षमता हिसाबसँ काज नहि कऽ रहल छी सबसँ पहिलका बात जे ICP एकटा अपनेमे नया कन्सेप्ट छै तऽ नया कन्सेप्ट भेलाके बाद अहाँ एके बेर लार्ज ट्रैफिकके कैटर नहि कऽ सकै छी मतलब एहिठामसँ अहाँ ओकर निकासन नहि कऽ सकै छी दोसर बात एहिठामसँ ई चीज होइ छै से बहुत आबैवला ट्रकवलाके भी नहि मालूम छै मुख्य अहाँके नाका छलैए बीरगंजके पुरनका आब ओकर वैकल्पिक छै ओ हटि जेतै पूर्ण तरीकासँ ओहिठाम तऽ एहिठामसँ चालू हेतै तऽ अखन की छै जे एके बेर सबचीज डाइवर्ट करऽमे कनि गाढ़ो छै तऽ ताहि हिसाबसँ ICP हमरासबके हैंड ओवरमे अयलाके बाद एकर पूर्ण व्यवस्थापन केना हेतै ओ मिलेलाके बाद एहिठामसँ हमसब पार्शियली रन करेलियै की होइ छै जे ट्रायल एंड बैलेंस होइ छै चेक एंड बैलेंस होइ छै तऽ ताहि हिसाबसँ जे पैरेलली चलि रहल छै पुरनकाके अहाँ एके बेर उठाके एहिठाम नहि लाबि सकै छियै कैलाकि बहुत एके बेर अहाँ ओहिठामसँ एहिठाम लेबै तऽ बहुत चीज हैम्पर हेतै तऽ धीरे धीरे लोकके बुझबै जे नहि आब ओ सब कारोबार ओहिठामसँ होइ छै से चीज आदमीमे जहिया सेट भऽ जेतै इन्फॉर्मेशन ताहि हिसाबसँ अहाँके ई सुचारू भऽ जेतै पुरानकसँ अखन तऽ बुझू जे हमरा बुझाइए 50% जतेक एहिठाम आबि गेल छै आ निकट भविष्यमे ई फुल फेजमे चलऽ लगतै से हमरो कतेक मात्रामे कार्गो व्हीकल सब लगायत आम जनताके भी ई रूट प्रयोग केनाइ की अवस्था रहल छै एखन स्टैट्स सब की छै एहिके सम्बन्धी कि पहिलका एकटा चीज बुझलियै काल्हि एक आदमी आयल रहथिन बीरगंजसँ तऽ हमरा कहलखिन जे ICP खुललाके बाद बीरगंजमे एखन हमरा सबके कनि शान्ति बुझाइए कारण की भेलै जे पुरनका नाकाके जतेक भी अहाँके अधिकतम पूरा तऽ नहि कहब अधिकतम अखन एहि रूटसँ जा लगलैए तऽ एहि रूटसँ जखने गेलैए तखने बीरगंज अहाँके हल्का भऽ गेलै ट्रैफिकके दृष्टिकोणसँ देखबै तऽ अखन ओहिठाम अहाँके कम ट्रैफिक छै तऽ प्रथम भेलै जे अहाँके कोनो भी रेजिडेंशियल एरिया कहबै या शहर बाजारके भीतरसँ ट्रक लऽ जेनाइ पब्लिकली अहाँके टेंशनके बात छै
ओकरा सबके अपने ओहिठाम एडजस्ट, आब ओसब रोड क्रॉस करतै उम्हरसँ ट्रक अबै छै तऽ ई एक्सीडेंटोके कारण छै, बहुत एहन घटना दुर्घटना होइते रहै छै। आब ई 7 अप्रैलसँ अहाँके उद्घाटन भेलै तऽ शुरूमे हमसब अहाँके एहिठामसँ गैसके बुलेट आ टैंकर निकालऽके अथी केलहुँ, तऽ शुरूमे अहाँके दिनके 90 लऽ कऽ 100-150 जतेक अहाँके निकललै, लास्ट अहाँके ई अचानक अपनेके 22 तारीखसँ एहिठाम अहाँके एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भऽ गेलै ट्रकके। पहिले जे हमसब 90 लऽ कऽ 150 इन करै छलियै, से अहाँके 22 तारीखसँ 331 लऽ कऽ 29 तारीख तकमे 444 तक ट्रक इन करेने छै। तहिना अहाँके आउटके संख्या भऽ गेल 261 लऽ कऽ 539 तक, तऽ ई धीरे धीरे ग्रोथ भऽ रहल छै। आ जखन नया चीज छै तऽ एकरा यूजर सबके भी की चीज अहाँके कॉन्सेप्ट बुझऽमे टाइम लागि जेतै। पहिले केना बुझियौ जे ICPके कोन मॉडलमे एकरा डिजाइन कयल छै, हम ई तखन कहला छुटि गेलहुँ, अखन हम फेर कहि दै छी। ई जेना मुख्य भवन छै ने, एहि मुख्य भवनके अहाँ सेंटर मानि लिअ, मिडिल एकरा डिवाइड कऽ दियौ, ओहि साइड भऽ गेलै इम्पोर्ट जोन, एहि साइड हम जतय बैसल छी भऽ गेल एक्सपोर्ट जोन। अपना ओहिठाम गेट छै, एहिठाम अहाँके 7 गेट छै, जाहिमेसँ 6 गेट यूज हेतै ICPमे आवत जावत लए। एकटा गेट छै अहाँके इमरजेंसी या VIP लेनके लिए, कार्गो इन करऽके लेल अलग गेट छै, पैसेंजर इन करऽके लेल अलग गेट छै, तहिना एक्सपोर्ट साइडमे पैसेंजर इन करऽके अलग छै, कार्गो इन करऽके लेल अलग छै। ई रोड जे देख रहल छै सिमिलरली ओहू काज छै, एहि रोडके फंक्शन छै अहाँके पैसेंजर डेली कम्यूटर, जेना बाइकपर अबै छथिन कारपर अबै छथिन तऽ हुनका सबके ई रूट यूज करऽके छै। जे ट्रक अयलै से अहाँके सिमिलरली ओहि कात, जे ट्रक अयलै से ट्रक चलि जेतै इम्पोर्ट जोनमे, ओहिठाम ओकर पार्किंग यार्ड छै। ई प्रश्न रहत जे एतेक सुविधा सब अहाँसब बता रहल छी, प्रॉब्लम कतऽ आबि रहल छै वर्किंग करऽमे? सिस्टम तऽ अहाँसब बना लेने छियै, अचानक कहि रहल छी जे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भऽ गेलै इनफ्लक्स आउटफ्लक्स सबके, तऽ पैटर्न कैला नहि फॉलो भऽ रहल छै एखन तक जे अहाँ सबके सिस्टममे? पैटर्नके केहन बात छै ने, कि आब वएह ने कहलहुँ जे नया कॉन्सेप्ट छै। नया कॉन्सेप्ट भेलाके बाद बहुत एहन आदमी छै जे शुरूमे बुझल कि ICP अयलै ICP अयलै, लेकिन ई ICP चलेबै केना से नहि बुझलकै, तऽ ओ बुझऽमे तऽ आदमीके टाइम लगतै ने। ई कोनो खराब बात नहि छै, कोनो भी नया कॉन्सेप्ट अयलाके बाद स्टार्टिंगमे चैलेंजेस अबै छै, हालाँकि एहिठाम केहन कोनो खास चैलेंजेस नहि छै। हमरा अहाँ लग एकटा चैलेंजेस की छै जे कॉन्सेप्ट नहि बुझलाके कारण भी, आ दोसर हम अहाँ इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री छी, हमर अहाँके एक्सपोर्ट बहुत ही कम, मतलब नगण्य बराबर। इंडिया की छै एक्सपोर्ट करै छै, इंडिया दिनमे 600 गाड़ी छोड़ि दै छै, लेकिन हमर कैपेसिटी एहिठाम 300 गाड़ीके मात्रे होल्ड करऽके छै। तखन पैरलली हमरा ओहिठामसँ इम्हर लाइवके ट्रांसफर करऽके अइ जम्मे ट्रेडके रूटके, तऽ की करै छी हमसब अखन इम्पोर्ट जोनके यूज करैत करैत एक्सपोर्टो जोनके यूज कऽ रहल छी। मतलब साधनके कमी देखल जा रहल छै कि नहि? रोड साधनमे केना छै जे एहिठाम आब ई डिजाइन भेल छै इंटरनेशनली डिजाइन छै, लेकिन हमर अहाँके नेपालके ट्रेड पैटर्नमे ई सेट होबऽमे कनिक टाइम लागि जेतै। जेनाकि अहाँके वेयर हाउसके लऽ लिअ, ओहो प्रश्न आबिए जेतै कनिक देरके बादमे, हम पहिले ही कहि देलहुँ जे गोदाम घर छै हमरा सब लग अखन से कम छै, 1372 स्क्वायर मीटर छै अहाँके एक साइडमे, 695 मीटर छै एक साइडमे। तऽ ई की रहै अहाँके एहि डिजाइनमे वेयर हाउसके पर्पज की रहै जे इमरजेंसीमे कोनो सामान, जेनाकि अहाँके ट्रक बिगड़ि गेलै, ककरो डॉक्यूमेंट मिसिंग छै, तऽ तेहन कार्गो सबके वेयर हाउसमे डालबै। लेकिन नेपालके ट्रेड पैटर्नमे ई चीज नहि छै। आब इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री भेलाके बाद अहाँके विभिन्न व्यापारी अपन सामान इम्पोर्ट करबै छथिन, इम्पोर्ट करेलाके बाद आब ओकरा एहिठामसँ लऽ जाएके लेल भी बहुत प्रक्रिया छै, डॉक्यूमेंटेशनके तऽ बहुत चीज छै, तऽ ओहिके लेल हुनका सबके अपन सामान एहिठाम धरऽ पड़ै छै, कैलाकि ओ कंटेनर वापस करऽ पड़तै, नहि तऽ ओहिमे अहाँके डिमरेज चार्ज लगै छै। ताहि सबके चलते अखन वेयर हाउसके अभाव छै, ओहो थपाएवला छै, अहाँके ओकर टेंडर भऽ चुकल छै, निकट भविष्यमे वेयर हाउस सेहो बढ़ि जेतै कैपेसिटी। फेरसँ सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, कमी कमजोरीके बारेमे जँ यदि कोनो अनुभूति होइ ICPके सम्बन्धमे तऽ अपन प्रश्न राखि सकै छथि, जिज्ञासा सेहो राखि सकै छथि। ICPके वर्किंगके बारेमे जँ यदि बुझऽ चाहै छी केना काज करै छै ओहि सम्बन्धी सेहो प्रश्न राखि सकै छी। हमर नाम पड़ै श्रीकान्त शाह, नारायणी क्लियरिंग सर्विसके तरफसँ बनी। ई रक्सौल बीरगंज रोड बहुत जाम भेलासँ
ई आईसीपी चालू भइला से हमनी के बहुत खुशी लागल। आईसीपी चालू भइला के बावजूद में भी यहाँ पार्किंग सिस्टम कैसे मिलावल जी तो मिला नहीं सकत लोग यहाँ लोग अभी ऐसे खुला इथी रहताटे हमनी के काम करे में बहुत दिक्कत होताटे गाड़ी खोजे में दिक्कत रहताटे एकरा एकरा के कंटेनर एक साइड में 20 फीट एक साइड में जैसे ओपन ट्रक बाटे एक साइड में लगावे के पड़ल एकरा के व्यवस्थित मिलावे के पड़ल जैसे यहाँ के आज के हम सिस्टम देखने की खाली कटे कराओगे कांटा कराओगे भीतर बात कांटा होकबे करी आज ना बिहान तो होकबे करी जब भंसार पास हुई तो कांटा होकबे करी तो ओकरा ला तो सिस्टम लगावे के पड़ल पार्किंग लगावे के पड़ल रोड जाम ना होके पड़ल जौन गाड़ी तुरंत पास भइल तुरंत निकले के चाहिए जौन पास भइला के बाद में भी 3 घंटा 4 घंटा के बाद में भी निकल ताटे ओकरा ला में पार्किंग चार तिरला जगह में वहाँ दू गो कंप्यूटर भइला में कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता ओके चलते गाड़ी भी एने डिस्टर्ब होता ओकरा ला हम कह दी सर लो एमें 2-4 गो और कंप्यूटर बढ़ाई एक भीड़ मत लगे दी बुझ गए उज्जवल जी कमी कमजोरी से वो बता रहा था पार्किंग में क्लियरेंस में वेयर हाउस मैन पावर के से प्रश्न उठा दिले थे पहले ही हम यहाँ के कह दें ये आईसीपी के टोटल कैपेसिटी है यहाँ के 300 ट्रक के होल्ड कर के लेकिन अहाँ के नहीं एक्सपोनेंशियली जेना अखने बढ़लै तो बढ़ला के बाद अखन हमर सबके यार्ड में लगभग 600 ट्रक है तो ऊ तो हमर यार्ड भीतर चलि आयल छै ना अब ओकरा तो कहुना हमसब व्यवस्थित कर रहल छै तो की छै 300 वही साइड में छै सिमिलरली ओहू साइड में छै तो की छै अखन अहाँ के डिवाइड कर देने छै अई साइड वही साइड दुनू साइड मिला के एनी हाउ एक मतलब स्मूथ ऑपरेशन में ल जाय पड़तै आदमी के ई कल्चर में सेट करय पड़तै ओहि के लेल हमसब अहाँ के ट्रक एक्सेप्ट कर रहल छियै आ एकरा व्यवस्था कर रहल छियै बात रहले कांटा के तो कांटा के की छै जे ई ओ सब कहै छथिन जे भंसार भ जेतै तऽ कांटा करेबै कांटा के प्रयोग नहि होइ छै भंसार के लेल जखने अहाँ के गाड़ी बेसी एलै भीतर गाड़ी भीतर जखने बेसी आबि गेलै हमर कैपेसिटी से बियॉन्ड भ गेलै आगा चलि गेलै तो ओकरा तो हम कहीं ने कहीं तो मिलेबै ना तो आब ओकरा हम सब मिलाइब रहल छियै मिलाबै छियै ताहिके बाद सिमिलरली एक एकटा गाड़ी छोड़ि के कांटा करा के रखै छियै तब हुनकर कहब की छै जे भंसार भ जाइए तऽ हमरा बिलिंग नहि होइए तऽ आब एहिठाम की छै जे वर्किंग कल्चर केहन छै से देख लिअ दिन भरिमे अहाँके भंसार अहाँके सब गाड़ीके क्लियरिंग करै छै जे जे ओकर सबके इंस्पेक्शन होइ छै सब कऽ दै छथिन हुनकर सबके पार्टो की रहै छै अहाँके पैसा पे करऽके आ पैसा पे करऽके लेल हुनकर सबके आब अपन कोन हिसाब किताब छै से ओ सब जानथिन एके बेर की कयलथि सब सब आदमी जाके पैसा क्लियरेंस करा के लाइव के अहाँके पेपर रेडी कऽ लै छथिन आब रेडी कऽ लै छथिन तऽ 2 गो विंडो देने छी अखन बिलिंग के लेल ओहिमे आब की छै जे अहाँके एके बेर लाइन लगबै तऽ टाइम तऽ लगतै ने कन्सेप्टमे जखने फास्ट ट्रैक छै तऽ फास्ट ट्रैकके मतलब ई नहि छै जे अहाँ पैर धरिते जगहपर पहुँच जेबै अहाँके किछु देर रुकऽ पड़त दोसर बात जे ओ कहै छथिन जे 3-3 घंटा 4-4 घंटा लागि जाइ से कहि दै छै एक एकटा क्लियरिंग एजेंट के अहाँके 30-30 टा 40-40 टा गाड़ी दै छै तो एक मुस्टे जाइ छथिन अहाँके 30 टा बिल दऽ दै छथिन 30 टा बिलके तऽ काटऽमे टाइम लगै छै ने तऽ तेसर व्यक्ति तक जाइत जाइत ओ 1.5 घंटा भऽ जाइ छै चौथा पचमामे अभी तऽ अबैत ओ 2 घंटासँ 3 घंटा भऽ जाइ छै तऽ ई चीज की छै जे हुनको सबके अखन एहि कन्सेप्टके बारेमे ओतेक क्लियर नहि छथिन कैपेसिटीके बात जे यदि करी उज्जवल जी अहाँ कहली 300 के कैपेसिटी छै एखन अहाँ सबके लोड बेसी भऽ रहल अइ फ्यूचरिस्टिक नहि देखल गेलै कि आईसीपी लोड तऽ बढ़ैत जेतै ने दिन दिने अहाँके इन्फ्लक्स बेसी होबय लागत की चीज हम कहि रहल छी आईसीपी के जहियासँ अहाँके सिनारियोमे अयलै तहियासँ एकरा हम ही देख रहल छी ऑफिससँ मतलब हमर सबके अधिकार क्षेत्र बेसी नहि छलियै खाली समन्वय करऽके एहिठाम इंडियन कॉन्ट्रैक्टर इंडियाके राइट्स लिमिटेड छै गवर्नमेंटके एजेंसी छै जे एहिठाम कंसल्टेंसी सर्विस दऽ रहल छै तऽ टाइम टू टाइम हमसब अबै छलियै जे एकरा सबके काम करऽमे की समस्या छै नहि छै ताहिके बाद जहियासँ ई सिनारियोमे अयलै जे नहि आब एकरा लऽ कऽ चलाबऽ पड़तै तऽ हम रिपोर्ट बुझेने रहियै जे रिपोर्टमे हम रहिए कहने जे बीरगंजमे दैनिक अहाँके 900 सँ लऽ कऽ 1500 तकके ट्रक आवत जावत छै जाहिमे अहाँके मोर देन 80% ट्रक बैसै छै होल्ड करै छै हमर अहाँके कैपेसिटी लगभग 250-300 छै आब एक्सपोर्ट साइडके यूज करबै तऽ ओकरा कनि ग्रोथ कऽ दियौ तऽ हम रहिए कहने जे पार्किंग कैपेसिटी नहि पुगतै एहिठाम वेयर हाउसके कैपेसिटी नहि पुगतै कैलाकि बीरगंजमे देखै छियै बहुत बड़का बड़का वेयर हाउस छै आ ओहिठाम NTWCL अपने बैसल छै लेकिन एहिठाम NTWCL नहि छै हमर सबके इंटीग्रेटेड छै एहिठाम नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समितिके स्वामित्व मात्र छै एहिठाम लेकिन ई तऽ बना देने छै भारत सरकार जखन ई बनि गेलाके बाद हम तऽ हुनका भारत सरकारके नहि कहि सकै छियनि जे एकरा एक्सपांड कऽ दियौ तऽ निर्णय की भेलै जे अखन तत्काली वेयर हाउसिंगके जे समस्या छै ओहिके लेल हमसब हैंड ओवर लेलाके पश्चात वेयर हाउस बनेबै तऽ वेयर हाउसके लेल टेंडर आह्वान भऽ गेलै आब छनौटके प्रक्रियामे छै एहि आर्थिक वर्षमे ओ बनतै ताहिके बाद पार्किंगके लेल की भेलै जे अखन तक जे पुरनका मोडालिटी छलैए वर्किंगके
से भ सके कहीं आईसीपी में गेला के बाद चेंज हेत कि अर्थ मंत्रालय के किछ विजन आयल छै एपर एकरा नहीं अर्थ मंत्रालय में हम सब बिलोंग करै छिए उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति से अर्थ मंत्रालय से भंसार से बिलोंग करै छथिन तो भंसारो सब संगे समन्वय रहिए कने तो ओहो रहथिन कने जे हमरा सब के पार्किंग कैपेसिटी कनिक इंक्रीज चाहिए संबंधित मंत्रालय के किछ त विजन हेते ने एके बारे में बताय जाय चाहे छै छै वै कहि रहल छी त ओहि रिपोर्टो में हम देने छे रिपोर्ट ओहो रिपोर्ट में अहाँ के पार्किंग कैपेसिटी वेयर हाउसिंग ऐसा सब के बढ़ाव के लिए कहने छे हम तो एहि पर की छल बल भेलै जे तत्काली वेयर हाउस के बढ़ायल जाए आ पार्किंग के अखन अइला नहि बढ़ाव के बात चल रही तत्काल वही समय में जे अखन ई आब नया कॉन्सेप्ट छै भ सकिए कहीं गाड़ी एतै या तुरंत क्लियरिंग भ के चलि जेतै तो पार्किंग बढ़ा के कोन फायदा लेकिन नेपाल के वर्किंग प्रोसीजर कनिक डिफरेंट छै एहिठाम गाड़ी अबै छै तऽ एक दिन दू दिन लागिए जाइ छै लगला के बाद एहिठाम अहाँ के गाड़ी के पार्क में राखिए पड़ै छै ताहि के लेल की भेलै जे ऑपरेशन में अयला के बाद ओहिठाम की चैलेंजेज एतै तऽ एहिठाम पार्किंग के अयलै ओ चीज पहिलहू बुझल रहै जे पार्किंग के हेतै लेकिन कहाँ जाकर मतलब आदमी ओकरा एकटा चांस देलकै जे भ सकै कहीं नया कॉन्सेप्ट भेला के बाद पार्किंग में गाड़ी नहीं बैसे कि लेकिन एहिठाम ओ चेंज नहीं भेलै तऽ हमसब अहाँ के पार्किंगो आब एक्सटेंड करे के अथी में छै एहि आर्थिक वर्ष में ओहो तरफ आबै चाहबै में दू देश बीच के समझौता आधार पर ही बनल छै अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेहो ई प्रैक्टिस कयल जाइ छै स्टडी के कमी साफ नजर आबि रहल छै जे प्री प्लानिंग एक एहिमे नहि भऽ पेलै कैला ई कमी चूकल जाइ छै आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की व्यवस्था छै आ नेपाल के आ इंडिया के आईसीपी जे छै कतेक फरक छै अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस सँ नेपाल इंडिया के समझौता एहि सन्दर्भ एहि विषय मे 2005 ईस्वी मे भेलै और ओ मे चार विराटनगर बीरगंज भैरहबा और नेपालगंज चार ठाम एकरा आईसीपी बनाबे के निर्णय भेल छै मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के प्रेशर के लेल नेपाल सरकार के नीति भेलै हम चार ठाम डिस्ट्रीब्यूट करब एकरा तो स्वाभाविक एक जगह पर ओकर प्रेशर घटतै लेकिन अखन आइ की छै कि लगभग लगभग 10 वर्ष बीतला के बाद भी अखन 15 एलै मात्र बीरगंज के आईसीपी फंक्शनिंग में एलै है वो दू तीन महीना से एलै है फंक्शनिंग में एलै तब ओना तो झाजी कहै छथिन कि संरचना पूर्ण के दावा लोग करै छै लेकिन संरचना कतेक पूर्ण छै तऽ अहाँ फील्ड दे के देख सकै छी मतलब अखनो ये अर्ध संरचना के अवस्था में संचालित छै तो स्वाभाविक रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पूर्ण संरचना के बाद संचालित होती है हमरा सब के अपना आवश्यकता और बीरगंज और रक्सौल के सड़क के भार कम करे के लेल अर्ध संचालित अवस्था में एकरा चालू कैल गेले जना अहाँ के संचा अथी डायरेक्टर बजला है कि हमरा तीन बेर कथिला उ रोड अखन बनिए रहल छै 700 फीट के है ना भीतरो अहाँ देखते छी माटी सब के ढील सब लागल छै कथिला तो भरे के बाकी छै बरसात वाटर लॉगिंग के समस्या भी ओहिठाम भऽ सकै छै तऽ एहि लऽ कऽ एहिमे किछु समय लगतै ई भेलै फरक दोसर बात कि एकरा बनाबैत बना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर निर्माण भेला पर ओसब की सोचलकै कि जतबा एक्सपोर्ट होइत ततबा इम्पोर्ट होयत तऽ एक्सपोर्ट जोन इज इक्वल टू इम्पोर्ट जोन बराबर कयलकै दुनू साइड मे हमरा सबके की छै कि हमरा सबके अगर दिन मे 66 ट्रक भारत छोड़ै छै एम्हर तऽ हमसब जब बड़ा छोड़ैत हेबै 60 ट्रक 10% 10-19-10 के डिफरेंस है तो एक ई दृष्टिकोण से एकरा विकसित करे के चाही तेसर समस्या एहिठाम आगे की आयल हेतै आयल छै जे नेपाल के हर प्रोजेक्ट में हम देखै छियै कतौ देखबै या कि हमरा सबके लॉन्ग टर्म विजने नहि छै बनाबे के छै बना देलो 50 इयर्स आफ्टर की हेतै आईसीपी एन संस्था तऽ कम से कम 100 वर्ष के टारगेट लऽ कऽ बनाबे के चाही शुरूए में एकर नक्शांकन हुआ के चाही कि 100 वर्ष में बीरगंज में आयात निर्यात की स्थिति की हेतै ट्रांसपोर्टेशन के प्रेशर की हेतै ओकरा लेल हमरा कतेक एरिया चाही कतेक शेड्स चाही ओकरा अनुसार एकरा बनाबै के चाही लेकिन अब बनाबै के बना देलहुँ शुरू करै के शुरू कऽ देलहुँ संरचना निर्माण कतेक भेलै नहि भेलै कहाँ विवाद अइ अब जमीन के विवाद सुनलहुँ अहाँ वायरिंग वायर हाउसिंग के विवाद सुनलहुँ हमरा विचार से एहिठाम सैनिटेशन के भी कोनो खास व्यवस्था नहि छै रेस्टोरेंट्स रिक्रिएशन के भी कोनो व्यवस्था नहि छै दू दिन आदमी रहतै तऽ खेतै की सुततै कतऽ तऽ
योगदान के तहत आयल छ नि भारत सरकार के एक्सपेंशन के मामला में विस्तार के मामला में नेपाल सरकार के कत कमी कमजोरी देखे छिए अब योगदान के रूप में आयल छ त योगदान के रूप में एक ओहो में त कंडीशन हेते न कि ई काज तोहर हम क देबी तू कुतरा अपने करे के छ योगदान के मतलब ई थोड़े छ कि यहाँ के पूरा भारत के कर देत आ बनाइयो देत विकासो कर देत संरचनों के से बात नहीं हेते न योगदान के आधार पर कि हम तोरा ई निर्माण क देबो यहाँ तक क देबो एक बाद तोरा अपने चलाब के छौ संचालन के छौ जखने आ के हैंड ओवर भ गेलै नेपाल सरकार के अब एक संचालन के संबंधी संपूर्ण जिम्मा नेपाल सरकार के भेलै और ओकरा बाद में एक विकास के परियोजना निर्माण के परियोजना संरक्षण के परियोजना सुरक्षा के परियोजना सब नेपाल सरकार के करे के छै और वही अनुसार एक करे के चाहिए अब ई झाजी के ई बात से हम कनी सहमत हो के बात से एक नया कंसेप्ट अल नेपाल में पहला चीज है तो कोनो पहला चीज अहाँ के स्वीकारो में कनी कठिनाई हो लाभ जतवा देवे और ओकरा में शुरुआत में तो किछ कठिनाई भूगला पड़े छे लोग के जना हम ने हमसे जना हम अपना क्षेत्र के बात करे छे अखने त्रिभुवन विश्वविद्यालय की कल के मास्टर डिग्री में सेमेस्टर सिस्टम लागू कल के हटायल चीज फिर ले ले हम ही सब 37 साल से पढ़ा रहल छी लेकिन सेमेस्टर सिस्टम अलग बात हमारा सबके अपने कुछ कुछ विचित्र की भ रहल छी बुझाय बतबा तै लक है ना शर्मा जी भंसार के भ्रष्टाचार के अखाड़ा के रूप में सेहो देखल जाय छै हमरा के देश के परिवेश में आब ओ सब आईसीपी के माथात में आबि गेल छै भ्रष्टाचार से व्यापारी सबसे बेसी पीड़ित होइ छै ओ न्यूनीकरण के लेल की होबा के चाहिए त मैले अब तपाईले अघि पनि सोध्नु भयो त्यसका कुराहरु धेरै अब के छ भने झासरसँग म अलिकता सहमत छैन केमा छैन भने 300-400 गाडी होइन हामीले यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले व्यवस्थित रूपमा यहाँ स्टोरेज गर्न खोज्यो भने 1000 गाडी यहाँ स्टोरेज गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ एउटा कुरा यो जुन अहिले बनेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा र यो 50 वर्ष सोचेको अनुसारको भिजनबाट बनेको हो र इन्डियन साइडमा के थियो भने यो बाघा बोर्डरको स्टाइलमा बनेको हो र यो सम्बन्धित निकायमा हामीले वेयर हाउसको लागि उठायौँ तर टेन्डर बिड भइसकेपछि वेयर हाउस उहाँहरूले के भन्नु भने हामीले बनाइदिएपछि तपाईँ बनाउनु होला त्यो उहाँले भन्नुभयो आर्थिकमा अहिले बजेटमा आयो त्यो बन्छ अब तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो यो जबरजस्ती सञ्चालन भएको हो यो आइसिपी तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् नेपाल साइडको कस्टमले भारतीय साइडको कस्टमले र भारतीय साइडको पुलिसहरूले अहिले तत्कालै यता सञ्चालन गर्ने मुडमा हुनुहुन्थेन 1.5 महिना जति हुन लागिसक्यो यो सञ्चालन यो उद्घाटन भएको अझ उहाँहरूले 2-4 महिना 1 महिना व्यवस्थित गरिराख्नुभएको थियो मान्छे मरिरहेको थिए चापमा परिरहेको थियो त्यसको एउटा ठुलो अखाडा भ्रष्टाचार पनि थियो जुन तपाईँलाई भन्छु अहिले पनि के भइराखेको छन् भने व्यापारीहरू पीडित कहाँ छन् भने भारतीय साइडमा तपाईँको एउटा गेट मात्र खुल्या छ दिनहुँ तपाईँको 800 ट्रक आउनुपर्ने 2 जनाले त्यहाँ गेट पास काटिरहेछन् सम्भवै हुन सक्दैन त्यहाँबाट तपाईँको निकासा नै गरिरहेका छन् र यो आइसिपीको भिजन के हो भने कुनै पनि चिज मेनुअल चेक गर्ने होइन यहाँ उहाँले अघि पनि भन्नुभयो रेड च्यानल येल्लो च्यानल ग्रिन च्यानल भन्नुभयो नि तपाईँको ट्रक आउन बित्तिकै स्क्यानिङ गर्ने स्क्यानिङ गरिसकेपछि त्यो ट्रकको भन्सार काट्ने फर्म भर्न बित्तिकै जाने भन्ने कुरा छ तर अर्को यहाँ भ्रष्टाचारको रूपमा अहिले के देखिएको छ नि व्यापारीहरूले अहिले उहाँले पनि भन्नुभयो काँटा गराउने हो प्रति गाडी तपाईँले काँटा किन गराउनु पर्ने गाडी काँटा कसको लागि हो भन्सारको लागि हो जुन चिज तपाईँको तौलमा छ त्यसलाई भन्सार गराउने हो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जुन ठाउँबाट तपाईँको माल आउँछ त्यसमा सबै चिजको तोल र कन्टेनरको तोलदेखि लिएर त्यो आउने चिजको त्यो तोल त्यसमा उल्लिखित गरिसकेको हुन्छ अहिले यहाँ के भएको छ भने इन्डियन साइडमा पनि तपाईँले काँटा गरिराख्नु भएको छ नेपाल साइडमा पनि काँटा गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो व्यापारीले इन्डियन साइडमा पनि पैसा दिने नेपाल साइडमा पनि पैसा दिने अहिले अस्त व्यस्त कस्तो भएको छ भने तपाईँ पैसा दिनुहोस् काँटा गराउनुहोस् नगराउनुहोस् यो भ्रष्टाचारको नाका बन्न गइराखेको छ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ यसको आउने दिनमा यो निर्मूल पार्नुपर्छ अहिले सबैजना पीडित भएका छन् उमर महिला सहभागी छ म अनिता कोइराला काठमाडौँ अहिले हाल चाहिँ बिरगन्ज
शर्मा जीले भन्नुभयो भन्सार क्लियर हाम्रो आइसिपीको कन्सेप्ट अनुसार भन्सारको गेटबाट छिर्ने बित्तिकै सिधा गाडी स्क्यानरमा छिर्छ म त देख्दिनँ यहाँ स्क्यानर स्क्यानर भनेको के हो स्क्यानरको मतलब के हो मैले पढेअनुसार सायद भन् उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्न नपाएर दुई नम्बरी धन्दा गरेर सामानहरू लिएर आउने बाटो खुला गरेर अहिलेसम्म स्क्यानर नराख्नु भएको हो कि त्यो नचाहनु भएको हो कि त्यसको बारेमा मलाई अलिकति प्रश्न हुन पाएँ त्यो स्क्यानर भनेको के हो त्यो बुझाइदिनुहुन्छ कि यो शर्माजीलाई आइसिपीको सञ्चालनको बेलामा भारतीय दूतावास र भारतीय प्रतिनिधिमण्डल र हाम्रो मल्टी मोडलकै जुन अहिले तत्काल सचिव हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हाम्रो पटक पटक मिटिङ भएको छ उहाँहरूको भनाइ जुन बेला यो गोडाउनहरू बनाएको थिएन जुन उहाँले 13 स्क्वायर फिट कति भन्नुभयो त्यो नपुग हुन्छ भनेर जुन म्यानुअल चेक जाँच अहिले हाम्रो बिरगन्ज भन्सारमा भइरहेको छ त्यो गाडी खोलेर चेक गर्ने उहाँहरूको यो आइसिपीको कन्ट्र्याक्टमा छ कि स्क्यानर लगाएर ट्रकको ट्रक कन्टेनरको कन्टेनर स्क्यानिङ गरेर मात्र निकाल्ने भनेर त्यो एग्रिमेन्टमा छ अब अहिले त्यहाँ अधुरो तपाईँको सञ्चालनमा छ पुरा पूर्ण रूपमा आएको छैन भनेर त्यो स्क्यानर नलागेको तर एग्रिमेन्टमा स्क्यानर छ हामीलाई जानकारी अनुसार यहाँ स्क्यानर लाग्नुपर्ने शर्माजी सेहो कहिलेखेन सहभागी सेहो कहिरहेको छथिन विभिन्न एग्रिमेन्टके सेहो बात आबि रहल छै डिटेलमे अहाँके जानकारी उपप्रमुख छियै की छै स्क्यानरके प्रावधान यदि छै तऽ एखनके लाइन लागि गेलैए एखन आइसिपीके मोडालिटीमे अहाँके स्क्यानरेसँ होबैवला छै सबचीज लेकिन नेपालके प्र्याक्टिसमे ओकरा एक्सेप्ट एखन तक नहि कयने छै कि कैलाकि ई चीज हमहूँ जहिया एहिठाम एलियै आइसिपी देखऽ तऽ अपन इंडियन साइडमे गेलियै ओहूठाम पुछलियै तऽ हम अपन स्टडी केलाके बादो की देखलियै जे आब हर कंट्री स्कैनिंगके एक्सेप्ट कऽ लेने छै लेकिन नेपालमे हम एहि चीजके अखनो नहि देखै छियै तऽ की छै स्कैनिंग यूज करऽके हमर सबके कैपेसिटीके भीतर नहि छै स्कैनिंग यूज करऽवला दोसर निकाय छै तऽ ओ सम्बन्धित निकायमे सम्बन्धित क्षेत्रके आदमी सबसँ ओ बात मात्रे क्लियर भऽ सकै छै हमसब कोनो प्रेशर नहि डालि सकै छी हमसब ओहि चीजके निराकरण नहि दऽ सकै छी आओर दोसर चीज शर्माजी जे कहलखिन हँ वेटके बात हम कनि एक रत्ती क्लियर कऽ दै छी हम विभिन्न ट्रेडसँ रिलेटेड कॉन्फ्रेंसमे ट्रेनिंगमे हम गेलियै तऽ दू चारि ठमन हम की अहाँके सुनलियै व्यापारी सबसँ कि कलकत्तासँ कंटेनर निकललै कंटेनर ओहिनाके ओहिना छै बीरगंज कंटेनर अयलै ओहिमे माल सामान चेंज छै ओ कहलखिन हँ जे कंटेनरेपर लिखायल रहै छै वेट तऽ हम कंटेनरके वेट मानबै नेपाल सरकार अहाँ कोनो सामान किनलियै अहाँके ओ सामान देलकै ओकरा कहलकै नेट वेट एकर 1 kg छै लेकिन अहाँके डाउट जे भेलै तऽ अहाँ ओकरा वेट करबै कि नहि करबै तऽ प्रथम हुनके सबसँ रिलेट हम कऽ रहल छी हुनके रिलेशनमे एकटा की बात अयलै जे कंटेनर कलकत्तासँ चललै सही छै कंटेनर कोनो सील नहि ब्रेक छै किछु नहि छै थर्ड कंट्रीसँ माल मंगेने छी तेसर एहिठाम आबिके खोललखिन तऽ ओ भऽ गेलै दोसर आब आउ दोसर नम्बर की होइ छै ने अगर ई चीज बुझैत हेबै अहाँसब तऽ हम कहि रहल छी जे रोड जे डिजाइन होइ छै ने एकर मापदण्ड होइ छै जे ई एतेक एक्सेल लोडके ट्रक छै एकर ESW एतेक रोडमे सप्लाई हेतै आ एकर कैपेसिटी एतेक टन मात्रे छै एहिसँ फाजिल एकर कैपेसिटी नहि छै दोसर चीज की छै जे अहाँके कोनो एहन कमोडिटी होइ छै जेकर 10 टन ओकरा लाबऽके परमिट छै लेकिन ओ 12 टन लेलै तऽ ओकरा पकड़तै के तऽ हमसब एज अ एगो कथी कहू अहाँके एजेंसी काम कऽ रहल छी जे एहन एहन चीजके इन्फॉर्मेशन हम देबै भन्सारके आब ओहिमे भन्सारके कोन ढङ्गसँ इंस्पेक्ट करऽके छै से तऽ भन्सार अपने जानतै हमसब ककरो इंटरनल मैटरमे इंटरफेयर नहि कऽ सकै छी ताहि लए ई कांटा एहि लए अहाँके एहिठाम मतलब कम्पल्सरी कयल गेल छै जे दोसरमे एकटा अगर सामान बेसी लोड अयलै ओहि ट्रकमे अगर ओ सामान बेसी लोड छै ओ रोडसँ जाइ छै तऽ रोडके इफेक्ट करै छै तऽ एहिठाम की छै जे ओ सामानके डिकन्सोलिडेट कऽ दियौ ओहि सामानके अहाँ झाड़ि दियौ जतबे ओकर ट्रकिंग कैपेसिटी छै ततबे लऽ कऽ बाहर जेतै बुझलियै तहिना एहि चीज सबके बूझऽमे आदमीके एहि तरीकासँ बूझऽ पड़तै काल्हि हम एकटा गाड़ी पकड़लियै ओकर कैपेसिटी छै अहाँके 35 टन लेकिन ओ सामान बोकने छै 60 टन ओ हमर अहाँके एहि रोडपर जे चलतै ने ओहि ट्रकके कैपेसिटी अनुसार ओ मोर देन एक्सेस छै बुझलियै ओहिसँ की होइ छै जे रोडके लाइफ कम होइ छै नेपाल सरकार हो या भारत सरकार हो इंडियामे इंडियन रोड कांग्रेस छै नेपाल मतलब रोडके जे देखै छै निकाय नेपालमे NRS
तो ई की छै ने एकर सबके एगो स्टैंडर्ड छै जे हम ई रोड डिजाइन केलिए तऽ अइ पर एहन ट्रक एतेक माल लऽ जेतै एहन ट्रक एतेक माल लऽ जेतै अगर बड़का ट्रक कम माल लेने छै तऽ रोड के दिक्कत नहि छै लेकिन छोट ट्रक बेसी माल लेने छै तऽ रोड के दिक्कत छै शर्मा जी तरफ आबै छै शर्मा जी उज्जवल जी के बात कतौ ने कतौ सही नजर अबै छै जे एकटा चेक एंड बैलेंस होबाक चाही चीटिंग के चांस सेहो बढ़ि सकैए व्यापारी के तरफ से एकटा ईमानदारिता जे होइ छै व्यापार में नाफा चाहे अन्य अन्य चीज के लेल सेहो कतौ ने कतौ एकटा जगह छै ओहि के स्कोप बाकी राखल गेल छै तऽ ताहि लेल मॉनिटरिंग करऽ के लेल ई कांटा लगायत अन्य अन्य जे चेकिंग सिस्टम सब जे छै ओ सब केनाइ जरूरी छै हैन हामीले के भने छौं चेकिंग गर्न नपाउने हैन वहाले अहिले 3 दिन देखि 4 दिन देखि सबै ट्रक लाई टोल गर्नु भो कतिमा बढी पाउनु भो कतिमा कम पाउनु भो एउटा क्लिंकर मा गर्नु पर्ने चावल गर्नु पर्ने धान मा गर्नु पर्ने तिनीहरु के किलो मा आउँछ अब मोटरसाइकिल को ट्रक मा तपाई वजन गरे भने त्यसमा घटबड त्यसमा त पीस मा हो नि छाता आउँछ छाता इम्पोर्ट गर्नु भो छाता अब आयो भने त्यो पीस मा आउँछ त्यो तल मा आउँदैन एउटा कुरा मैले भने र अगर सबैलाई गर्ने हो भने भारत र नेपालको संयुक्तमा एउटा तपाईले काटा लगाइदिए भइहाल्यो नि 500 रुपैयाँ 250 रुपैयाँ तपाईले लिनुहुन्छ 250 रुपैयाँ लिएर एक ठाउँमा गर्नु समय बच्छ अहिले तपाईको समयले गर्दाखेरि पनि यो आवाजावत नहुन सकेको काटा एउटा काटा त्यहाँ गर्नुस् एउटा यहाँ गर्नुस् एउटा काटा गर्नलाई तपाईलाई 10 मिनेट भन्दा बढी लाग्छ भनेपछि तपाई दिनभरिमा कतिवटा ट्रक पास गर्नुहुन्छ एउटा इन्डियन साइडमा काटा गर्नु पर्यो एउटा नेपाल साइडमा काटा गर्नु पर्यो अनि त्यो समय खेर गर्नु भन्दा त्यसको बचाउने ठाउँ हो भने एउटै ठाउँमा दुईटै जना बसेर गर्नुस् हामीलाई आपत्ति छैन पैसा लिने हो भने लिनुस् तपाईँ चार्ज लिनुस् समय खेर गइराखेको छ त्यसको ड्यामेज लागिरहेछ डिस्टेन्सन लागिरहेछ त्यो व्यापारीहरूलाई पीडा छ अन्तिममा अब प्यानलिस्ट सबसे प्रतिबद्धता अब पर्ले मिश्राजी तरफ सबसे पहिले अब चाहब हमर अहाँके देश आयातमुखी देश छै ई नाकामे सेहो वएह समस्या बेसी देखल जाइ छै जे इम्पोर्ट बेसी रहै छै आ एक्सपोर्ट कम रहै छै केना कऽ कऽ सरकारके नीति आबऽके चाही जे एक्सपोर्टवला गेटपर सेहो भीड़ देखल जेतै जाहि हिसाबसँ इम्पोर्टवला गेटपर भीड़ देखल जाइ छै अहाँके एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्री सबके बढ़ावा देवला पड़लै सबसे पहिने अब नेपालके एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रीजके कम्पिटिशन इंटरनेशनल मार्केटमे करऽ के क्षमता हमरा सबके उद्योगपति या एहिठाम के स्किल में छै कि नहि छै ई एकटा प्रश्न भेलै एकरा लेल इम्प्रूवमेंट कराबला पड़तै एहिमे एकटा हमर की सुझाव अछि हमसब एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रीज में इंडिया के बिग कंपनी सबसे एग्रीमेंट कऽ कऽ ओकरा सपोर्टिंग प्रोडक्शन हमसब की कऽ तऽ दऽ सकै छी सब्सिडी ला हमसब सब्सिडरी इंडस्ट्रीज कहै छी एहन सब्सिडरी इंडस्ट्रीज के अगर निर्माण नेपाल में कयल जाए और हम मात्र चीन और भारत के कारोबारी और इंडस्ट्री के साथ सहयोग करब तो हमरा देश में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्री बहुत बढ़ते दोसर है कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट अगर हम सब जोन दिन भारत में 4000 मेगावाट वाट बिजली अपन हम सब बेच दै छै ओही दिन हमरा सब के भारत संग के कारो व्यापार जे पॉजिटिव भ जाय लेकिन 4000 मेगावाट बिजली बेचो के लेल हमरा देश में कम से कम 10000 मेगावाट बिजली उत्पादन होवे के चाहिए तो ओकरो लेल अहाँ के प्रयास करला पड़ते तो ए प्रकार के जब तक अहाँ के एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रीज के बढ़ावा देवे के प्रवर्धन देवे के प्रमोशन देवे के काज हम सब नहीं करबे तब तक अहाँ के अहिना इम्पोर्ट साइड में भीड़ और एक्सपोर्ट साइड में अहाँ खालीपना देखबे शर्मा जी आईसीपी कोन हिसाब से काज होबे के चाही आईसीपी में जैसे व्यापारी सबके आब बेसी परेशानी नहीं होय जे विगत में होय छलै की अपेक्षा रहल छै व्यापारी सबके हामीहरूले आइसिपी सञ्चालन गरिसकेपछि एउटा मानसिकता के बनाएको थियो भने आइसिपीमा आइसकेपछि हामीहरूलाई सस्तो र छिटो छरितो काम हुन्छ भने तर यो तिन दिनको दरमियानमा हामीले के हेरेका छौँ भने इन्डियन साइडमा प्रति गाडी 590 रुपियाँदेखि लिएर 968 रुपियाँसम्म प्रति गाडी तपाईँको 20 फुट र 40 फुटमा उहाँहरूले चार्ज लिन थाल्नुभयो जुन पहिला लाग्दैन थियो आइसिपी भित्र आउनको लागि चाहे त्यो पार्किङ चार्ज होस् चाहे त्यो काटाको लागि होस् या जुनसुकै चार्ज होस् भनेपछि एउटा कन्टेनरमा तपाईँको लगभग 1500-1600 रुपियाँ तपाईँको कोस्ट बढ्यो
नेपाल साइडमा हामीलाई अहिले 242 रुपैयाँ मात्रै छ त्यो अब मेन्टेनेन्स कस्टको लागि त्यो उपयुक्त पनि हुन सक्छ तर भारतीय साइडमा जुन अहिले लागेको छ त्यो एकदमै अव्यवहारिक छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र अहिले जुन त्यहाँबाट गाडीको फ्लोको जुन मात्रा छ जुन हिसाबले एउटा गेटमा दुईजना मान्छे बसेर काम गरेका छ त्यहाँ मान्छेको मेन पावर बढाएर एउटा गेटको ठाउँमा दुईवटा तिनवटा गेट छोडेर त्यहाँको लोड लिएर सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ अर्को के छ भने झाजीले पनि भन्नुभयो नेपाल कस्टमको एउटा प्रब्लम के रहेछ भने बिरगन्ज भन्सार पनि छोड्न नसक्ने र आइसिपी पनि छोड्न नसक्ने आइसिपीमा अहिले तपाईँको उहाँले भन्नुभएको ठिकै छ 500-600 ट्रक आइराखेको छ र जुन रेलवेबाट आउने र जुन आइओसीबाट जुन आउने पहिला यताबाट आइरहेको थियो अब उताबाट आइराखेको छ भनेपछि नेपाल साइडमा दोहोरो मार परेको छ भारतीय साइडमा पनि पऱ्यो अहिले मेन पावर बढाएर इच्छा शक्ति बढाउनु पऱ्यो इच्छा शक्ति नबढाइकन अहिले जसरी हामीले भनिरहेको थियो नि भइहाल्छ 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 अगर यो रक्सोलको जनताले र नेपाली जनताले अगर आँट नगरेको भए प्रेसर बिल्डअप नगरेको भए अझ 2-3 महिना अझ यो आइसिपी सञ्चालन हुनेवाला थिएन यो अहिले भएको छ भने म सम्बन्धित निकायका सचिवहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामीहरू डे टु डे म मिटिङमा र कुरा गरिराखेका छौँ कसरी हो मलाई लाग्छ जुन अहिले हर्डल्स प्रब्लम आएको क्यान्टिन अहिले क्यान्टिनको व्यवस्था छैन सुत्ने व्यवस्था छैन र सबैभन्दा ठुलो अहिले च्यालेन्जिङ भनेको सुरक्षाको छ यो अहिले एकदमै तपाईँको बिरगन्जभन्दा आउटसाइडरमा छ राति 2-3 वटा केस घटना भनिसक्यो लुटपाट पनि भएको छ अब यसलाई सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न अलिकति टाइम लाग्छ तपाईँ पुरानो घरबाट नयाँ घर सिफ्ट हुनुपर्छ अलि टाइम लाग्छ त्यो सबै व्यवस्थापन गर्नलाई दुईटै साइडका प्रशासनहरू मिल्नुपर्छ जस्तो अब नेपाल साइडको मल्टी मोडलका वाणिज्य मन्त्रालयका अब यो भनौँ दुईवटा संरचना छ एउटा यहाँ मल्टी मोडलको एउटा अफिस भइहाल्यो र अर्को एउटा कस्टमको भयो उनीहरूको आफ्नो व्यवस्थापन हुनुपर्छ र अर्को उता अब आइसी गर्दाखेरि एसएसबीको माता हातमा सुरक्षा निकाय आएको छ र भन्सारको आएको छ उनीहरूले जबसम्म यो व्यवस्था मिलाउन सक्दैन तबसम्म यो बनाएको कुनै फाइदा हुँदैन उज्जवलजी सबके चाहना जे आइसिपी जल्दी से जल्दी फुल फ्लेजमे काम होय विभिन्न तौर पर जे समस्या सब जे खेपा पड़ै छै एखन आधारभूत समस्या सब सेहो छै विभिन्न राज जे एखनो संरचना सबके कमी देखल जा रहल छै कहिया तक पूरा कऽ कऽ फुल फ्लेजमे चालू होबऽ के अहाँ संभावना देखै छियै प्रथम बात की छै जे अखने आइसीपी एबेटा केलियै कि एकरा एला बेसी दिने नै भेलै जे भारत सरकार के डिजाइन में नेपाल सरकार के साथ MOU भेल रहे वही हिसाब के बनल छै लेकिन हमर अहाँके प्रैक्टिस कनिक डिफरेंट छै तो वही हिसाब से अखन अहाँके हैंड ओवर भेलै एकरा संचालन में लेल गेलै बहुत एहन चैलेंजेस छै बहुत एहन चीज छै जेकरा हमरा अहाँके बढ़ावे पड़तै तो ओ सब नोट डाउन हेतै संबंधित निकाय में उज्जेतै ताहिके बाद फिर ओहि ऊपर अहाँके जे कार्रवाई हेतै से आगा बढ़तै आ जखने हम अहाँ चलाबै आयल छियै तऽ एकरा एकटा ऑप्टिमम लेवल तक लऽ कऽ जेबै जे अहाँके आदमीके छिटो छरितो सस्तो आ नीकसँ काज होइ कनिक हम बाहर चाहै छी उहाँको एउटा कुरा अघि त्यो मोटरसाइकलको ट्रकको वेइङ हुँदैन जसले नि भन्दा अब गलत इन्फर्मेसन दिए होला मल्टी मोडल प्रोजेक्ट थियो इन्टर मोडल हाम्रो अफिस हो मल्टी मोडल भन्ने अब नाम छैन इन्टर मोडल र वेमेन्टमा हामीले बल्क र कन्टेनरमा अघि नै मैले भनिहालेँ कुन रिजनले त्यो कन्टेनरलाई उता पठाएको हो र यो गाडी आउने नयाँ गाडी र कुनै नयाँ मेसिनरीहरूको हामीले वेट ल्याएको छैन अहिलेसम्म यो जसले पनि भन्यो होला त्यो अर्को कुरा छ र लुटपाटको कुरा गर्नुभयो यहाँ सिक्योरिटी तपाईँलाई अरूभन्दा धेरै राम्रो सिक्योरिटी छ पहिला यो कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् कसरी विश्वस्त हुनुहोस् भने यहाँ हामी अनअथोराइज पर्सनलाई छिर्नै दिएको छैनौँ अब कस्तो छ भने अब ट्रक ड्राइभरहरू हुँचका हुँच बाहिर जान्छन् अब भित्र छिर्ने बेलामा अलौ बाँसी नै आउँछन् र अघि नै उहाँले भन्नुभयो मुआब्जा पीडित अब मुआब्जा पीडित मान्छेहरूले नि अब यहाँ के गर्नु भइरहेछ भन्ने त्यो कुरा अब थाहै होला यो मैले मुखले भन्नु पर्दैन र त्यही लुटपाटको क्रममा अस्ति मैले यहाँको चौकीमा इन्फर्म गर्दा 2-3 जना मान्छेलाई पनि समातेर उता चौकी जिल्लामा हाजिर गराएको छ त्यो कुराहरूमा कस्तो छ भने नि मैले अथवा मेरो निकायले एक्लै त्यो कुरालाई देखिदिने अथवा त्यसको त्यो सोल्युसन खोज्ने हुँदैन यहाँ सबैको हेल्पिङ ह्यान्ड चाहियो यहाँको बासीलाई बुझाउनलाई यहाँको ट्रेड गर्नलाई यहाँको एजेन्टलाई यहाँको व्यापारीलाई
यहाँ कसरी अब कस्टमलाई एक्सपेडाइट गर्ने त्यो भएपछि यहाँ टोटल कोलाबोरेसन र कोअर्डिनेसनको जरुरी छ जुन कि कहीँ न कहीँ अलिक कम देखिया छ त्यो अब सबै हेल्पिङ ह्यान्ड टुगेदर भयो भने त्यसलाई अब राम्ररी गर्न सकिन्छ अब यो नयाँ प्र्याक्टिस भएको हुनाले अहिले खासै यसलाई नल्याउँ र अर्को कुरा क्यान्टिनको क्यान्टिनको के भयो भने जुन बेला हामी यहाँ आएर बस्यौँ त्यति बेला उपयुक्तै थिएन त्यो क्यान्टिन कसैलाई टेन्डरमा दिने किनकि उसलाई त चार्ज लाग्छ तर यहाँ क्यान्टिनमा खाने मान्छे नै थिएन अब केही दिनदेखि यो राम्ररी सञ्चालनमा आएको छ आजै मैले क्यान्टिनको टेन्डर नोटिस निकाल्न लागेको थिएँ तर केही कारणवश भएन भोलितिर म पठाउँछु हो अब त्यसको लागि पनि अलिक टाइम लाग्छ हामीले पनि सकभर जति क्वेसन होस् कि जति प्रब्लम होस् मान्छेले एराइज गरिरहेछ नि हामी पनि त्यसमा प्यारलली वर्क गर्दैछौँ तर हामीलाई के चाहियो भने गुड विल र हेल्पिङ ह्यान्ड चाहियो कतै चुक छ भने हामीलाई भन्नुहोस् फलानु ठाउँमा यस्तो छ यसको सोलुसन यस्तो छ हामी त्यसलाई गरौँला हामी त्यही गर्न बसेका छौँ हामी बेकारमा मान्छेलाई दुःख दिएर यहाँ त्यो ट्रक ड्राइभर हजुर कमिटमेन्ट आइ रहल छ जे इम्प्रुभमेन्टके लेल तत्पर छ अहाँ सब आ जल्दी सब एकदम सब एता देखाउँ हमर पूरा ऑर्गेनाइजेशन नै तत्पर छ हमर ऑर्गेनाइजेशनके कामै इएह छ बेस त आइके बहस हम एतै समाप्त करै छी अहाँ सब हमर सबके कार्यक्रमके बारेमे राय सलाह सुझाव सेहो पठा सकै छी हमर सबके ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन भ्रमरपुरा चौक जनकपुर धाम फोन नम्बर रहल अछि 0415306603 तहिना अहाँ सब हमरा सबके मेल कऽ कऽ सेहो अपन सलाह सुझाव दऽ सकै छी हमर सबके मेलिंग एड्रेस रहल अछि janmanch.appantv@gmail.com आइके बहसमे सहभागी सबके साथमे हमर सबके तीनू पैनलिस्टके सेहो हम धन्यवाद दैत कार्यक्रमसँ विदा लै छी नमस्कार